वर्ल्ड रेडियो डे पर आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं 98.3 मिर्ची के रेडियो जॉकीज के साथ। तो आज करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके बारे में कि कैसे, किन से इंस्पायर होकर ये रेडियो जॉकी बने, क्या जर्नी रही इनकी और आगे क्या ये प्लान्स हैं इनके। श्वेतिमा मैम, आपको कौन नहीं जानता, आप बुलंद आवाज है 98.3 रेडियो मिर्ची की, आपके नाम से तो हर कोई मुखातिब है। क्या क्या था कि किस वजह से आप इंस्पायर हुई और आप इस फील्ड में आई? एज सच आई बिलीव हम दोनों के केस में यही है कि स्टैटिक ये नहीं था माइंड में कि हाँ रेडियो की फील्ड में ही जाना है। मेरे लिए तो इट वॉज प्रिसाइजली मेरी डेस्टिनी जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया, और जम्मू ने इतना प्यार दिया कि रेडियो जॉकी से अब कंटेंट लीडर तक की पोजिशन तक का सफ़र मैंने तय किया है। अजीश, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपका बचपन से ही ये ऐसा ड्रीम था कि मुझे आरजे बनना है, या कैसा था स्टार्टिंग से आपका? एग्जैक्टली तो ऐसे मतलब बचपन से हमें इतनी नॉलेज थी नहीं आरजे की एग्जैक्टली होता क्या है, लेकिन हाँ सुनते आए थे। और जब मैं अपने लास्ट ईयर में थी तब मुझे पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो जब मैं आई और इतने सारे लोग देखे, पहले तो ऐसा लगा यहाँ नहीं होने वाला, इतने सारे लोगों के बीच में हमारा कैसे होगा, लेकिन हाँ फाइनली ऑडिशंस करते 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 वो हो गया। मेरी बकेट लिस्ट में हमेशा से था, बट पता नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। सिमरन, आपसे जानना चाहेंगे, यू आर द यंगेस्ट आरजे इन जम्मू, और मतलब इस जर्नी को जब स्टार्ट किया तब माइंड में था, जैसे आपने बोला मेरी बकेट में था कि आरजे बनना चाहती हूँ मैं, और जब आप आरजे बनी उसके बाद से जो आपका एक स्टाइल था जो आप रेडियो में सुनाते हैं, मैं एक बार आपसे वो सुनना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं, प्लीज़। ओके, हेलो एवरीबॉडी, यू आर लिसनिंग टू योर अपनी यानी कि जम्मू की धड़कन पटाखा सिमरन कौर 98.3 मिर्ची। तो जब ये एक्सपीरियंस आपने गेन, मतलब एक्सपीरियंस तो अभी चल रहा है और कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो डे बाय डे हम लोग सीखते हैं चीज़ों से, तो कैसा लगा कि इसी के मतलब जब आए इस फील्ड में तो अब माइंड सेटअप था कि हाँ नहीं अब इसी को ही फ्यूचर बनाना है, या लग गई लॉटरी? नहीं नहीं, मतलब मेरे को हमेशा ना मतलब 10-15 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है कि मुझे ये भी करनी है, मुझे वो भी करनी है, और आए दिन मैं कोई नई चीज़ शत्रुघ्न को कि आज ये करना है, आज वो करना है, यार मुझे इस चीज़ में भी And करना है। आई रियली वांट टू ऐड कि जम्मू में आई बिलीव द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम इज हर्स 100K क्रॉस कर ली है। हाँ, मैंने देखा था, तो मतलब इन इसकी जर्नी देख के तो हम भी सोचते हैं कि ये कैसे हो, कैसे रहा, इट्स गोइंग मैजिकली। श्वेतिमा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अभी थोड़ी देर पहले शादी हुई है, आरजे की लाइफ को भी संभालती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी कैसे मेंटेन करती हैं, ये तो बड़ा एक टफ इट रहता है। इट इज मोर लाइक कि जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हैं, पागलपन जिसके लिए होता है ना, उसके लिए वक्त जैसे मर्जी करके मैनेज हो जाता है। सो इट इज़ लाइक कि ऑब्वियसली फैमिली को छोड़ नहीं सकते, फैमिली प्रायोरिटीज़ जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक तरफ, और जो पागलपन है, जुनून है काम का, वो एक तरफ, तो वो दोनों बैलेंस होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका आरजे तक का अभी तक का जो सफ़र है बहुत सक्सेसफुल रहा, तो आगे की जर्नी आपकी क्या है? वीजे आगे फिल्म्स में ट्राई करना चाहते हैं, कैसा आपका आगे का है प्लान? मतलब मेरी आज तक कोई भी बिकॉज़ यू आर गुड लुकिंग सो मूवीज में होपफुली यू आर ट्राइंग। थैंक यू। नहीं बट मैं कोई भी चीज़, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत आगे की प्लान करके चलती हूँ। हाँ अगर मुझे लगता है, जैसे अभी मुझे लगेगा कि अगले हफ्ते ना मुझे डीजेइंग करनी है, तो मैं आज ही कोई आज पूरी रात बैठ के उसके लिए कोर्सेज और कोई कोच ढूंढ लूँगी, कुछ भी मतलब ऐसे सोच लूँगी कि मुझे करना है, और उसके बाद मैं करना स्टार्ट कर दूँगी। बट मैं इतना लॉन्ग विजन लेके चलती नहीं हूँ। और एंड आपकी क्वेश्चन को मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई बिलीव हम लोगों के सबके साथ ये होता है कि हमारा कोई एक क्लियर वो नहीं है, विजन नहीं, मतलब बचपन से ही हम लोग ना मल्टीपल एम्स के साथ चलते हैं। जैसे सिक्स्थ में माय एम इन लाइफ लिखते थे तो होता था टीचर बनना है, सिक्स्थ में सेवन्थ में पहुंचे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मेरा जैसे प्रोफेशन लाइक इंजीनियरिंग बीटेक एमटेक करने के बाद आई वेंट टू अ डिफरेंट प्रोफेशन। सो आई थिंक जो क्रिएटिव लोग होते हैं दे आर मोर लाइक कि एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सप्लोर करना है, खुद के बारे में कुछ नया जानना है, और उस जर्नी में जो जो आता जाएगा लपेटते जाएंगे। ये तो बड़ी मजेदार बात है। सिमरन ने जैसे कहा कि इसकी बकेट लिस्ट पे काफी सारी चीजें एड ऑन रहती हैं, सिमरन ऐसा तो नहीं है कि रातों रात कहीं डॉक्टर का देखा और माइंड सेट कर लिया नहीं आज मैंने डॉक्टर बनना है? नहीं नहीं, अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब मेरा पढ़ाई से थोड़ा वास्ता जो है वो डिस्टेंस में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बकेट लिस्ट में है और वो आस्ता आस्ता होंगी।
तो मेरे को एक सवाल और पूछना था कि जैसे आपने बोला कि आप बचपन से सुनते थे रेडियो वगैरह, तो आप किसको देख के इंस्पायर हुए, किसको सुनना आपको पसंद था अपने टाइम पे? मैंने पर्टिकुलरली कोई एक आरजे नहीं था, मैं बहुत सारे आरजेस को जैसे फॉलो भी करती हूँ, और जैसे श्वेतमा दी थे, निशान थे, एंड देन निकी हो गई और रोशी हो गई, बहुत सारे आरजेस ऐसे हैं जिनको मैं सुनती हूँ और अभी भी सुनती हूँ, क्योंकि हमें ऐसे होता है कि यार वो क्या कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, तो अभी भी मैं बहुत सारे अलग अलग आरजेस को सुनती हूँ, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर आरजे नहीं। श्वेतमा, जैसे कि सिमरन ने बताया कि जो उनका स्टाइल है आरजे को जब वो आती है अपने शो पर, तो उनका आपका भी ऐसा कुछ स्टाइल है, आप भी हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपको मुझे बहुत बार सुन चुके हैं, मेरे को बहुत सुनना अच्छा लगता है, मैं सुनती भी हूँ आपका स्टाइल। सो आई मोस्टली स्टार्टेड विद की अरे यार बोर हो गया ना घर बैठे बैठे, बट करें तो करें क्या, ये कोविड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 98.3 जम्मू की हाँ इस फ्रिक्वेंसी पर श्वेत मैम मैं हूँ आपके साथ, और आपकी ये बोरियत वाली सुबह को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। सो यू स्टे ट्यून्ड टू 98.3 श्वेत मैम के साथ, इट्स हॉट। वो एक कहीं एक इमेज होती है ना कि हाँ हम लोगों ने आरजे को सुन रहे हैं हम लोग रेडियो एफएम पर, और एक माइंडसेट होता है यार इतनी खूबसूरत आवाज और चेहरे कितने खूबसूरत हो, और वाकई आप दोनों को देख के लगता है कि आवाज के साथ साथ भगवान ने खूबसूरती भी अच्छी खासी दी है। तो ये तो थी बातें, अब हम आपसे श्वेतमा जानना चाहेंगे कि आगे आपका एम क्या है, क्या रेडियो जॉकी ही बनना है या इसके आगे भी आप कुछ आगे सोच रहे हैं? सो लाइक आई ऑलरेडी सेड, नाउ आई एम द कंटेंट लीडर, जम्मू स्टेशन को हेड कर रही हूँ फिलहाल में। सो 3 सालों के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन इटसेल्फ। एंड रेडियो इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। जहाँ लोगों को लग रहा है ना कि बाकी प्रोफेशंस में एक स्टेगनेंसी आई है, मुझे लगता है ये पिछले 2-2.5 साल कोविड के जो थे हमारे लिए बहुत बड़े लर्निंग लेसन्स थे। कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि घर से शो करना पड़ेगा, बट कोविड ने वो भी करवाया। वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, जब बिल्कुल सेवेयर टाइम्स थे, लॉकडाउन थे, तो वी वर वर्किंग फ्रॉम होम, तो घर बैठे बैठे रेडियो पे शो करना वॉज अ ग्रेट चैलेंज इन इटसेल्फ। और मतलब इमेजिन भी करना कि वैसे तो हम रोज़ ही 4 दीवारी में बैठ के पूरा शो करते हैं, बट लॉकडाउन में क्योंकि आप किसी से मिल नहीं रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, नया कंटेंट नहीं मिल रहा, हर वक्त वही ग्लूमी न्यूज़ है कोविड की रिलेटेड, या अपडेट्स हैं, या ठीक है जो जनरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती थी वो लोगों तक पहुँचानी थी, बट उन इंस्ट्रक्शंस को एंटरटेनिंग कैसे बनाना है वो टास्क हमारे ऊपर था। तो आई बिलीव ये पिछले कुछ साल रेडियो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लाए हैं, और एज एन इंडिविजुअल हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हर्डल्स क्या थे आपके, जैसे आपने बोला कि हाँ अचीवमेंट्स तो आपने 3 साल में आपने करी है कि आप एक अच्छी पोजीशन पर आ गई हैं, हर्डल इस 3 साल की जर्नी में हर्डल्स कितने थे? हर्डल्स मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई बिलीव एवरी स्टेप इज़ अ हर्डल, एंड स्पेशली छोटी सिटीज़ में, जम्मू इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, छोटे सिटीज़ में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, चाहे आप लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें या चाहे आप माइंडसेट इवॉल्व करने की बात करें। ऑब्वियसली हम लोग भी चाहते हैं कि हम जो चीज़ें नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ऑब्जर्व करते हैं हम उसे लोकली एग्जीक्यूट करें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको लोकली एग्जीक्यूट करना चैलेंजिंग होता है बहुत ज़्यादा। बट यस, हम इवॉल्व करते गए, हमारी ऑडियंस इवॉल्व करती गई, एंड अभी अगर मैं पिछले 5 साल की जर्नी भी देखूँ तो जम्मू में कितनी चेंज आई है, दैट इज़ We all can see that, कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास अलग अलग फील्ड्स में, जो फील्ड्स शायद किसी ने सोची भी नहीं थी वो फील्ड्स भी जम्मू में अब प्रेजेंट हैं। अच्छा, पहले हम देखते थे रेडियो जॉकी जो होते थे बहुत ही मतलब बोरिंग से होते थे कि नमस्कार आपका स्वागत है, और आपने उसको एक बहुत मसाला दिया, बहुत इंटरेक्टिव भी बनाया और बहुत ही आपने उसको इनोवेटिव भी बनाया, तो कैसे आपने ये सब किया है, मतलब क्या सोचा था या किसको देखा था, या फिर आपकी बचपन से आप ऐसी थे कि मसालेदार या फिर ये रेडियो में आके हुआ है? आई थिंक मैं एक ऐसी शख्स हूँ जिसका ना कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं, आई कैन नॉट फेक इट। ट्रेडिशनल रेडियो की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स होते थे, एक तरीका होता था, सलीका होता था, और मेजरली रेडियो की अगर बात करें तो रेडियो का कोई चेहरा नहीं होता था। सो आई बिलीव मिर्ची ने वो ट्रेंड चेंज किया, जब हम लोग आए तो हम लोगों को कहा गया कि यार जस्ट बी हु यू आर और लोगों से वैसे ही इंटरेक्ट करो। एंड अब इमेजिन करो कि आप रेडियो पे मुझे सुनते हो और जब आप मुझे पर्सनली मिलने आते हो आप किसी और इंसान से मिलते हो, तो दैट विल बी अ शॉक टू यू। एंड छोटे शहरों में, क्योंकि मैं सिटी, मतलब ऑब्वियसली आप जब आप अपने नाम के साथ एक जम्मू दी कुड़ी का टाइटल जोड़ रहे हो, सो यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ गर्ल जो टोटल देसी है, हु इज अ नेक्स्ट डोर गर्ल टू यू, जिसके पास कोई भी आके अपनी टेंशन शेयर कर सकता है, अपनी गप सुना सकता है,
अगर वहाँ मैं फेक रहती तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाती और शायद जम्मू कभी इतना प्यार ना देता। अच्छा, बहुत से यंग लड़के लड़कियाँ हैं वो आपको देख के आजकल इंस्पायर हो रहे हैं और आपकी तरह ही आरजे बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब आपकी तरह सक्सेसफुल करियर? आई बिलीव आप लोगों ने जैसे शुरू में कहा कि इंस्पिरेशन लेना इज ऑलवेज गुड, हम हमेशा किसी ना किसी को अपना आइडल जरूर मानते हैं, बट अपनी यूनिक आइडेंटिटी मत छोड़ो। हम मेजरली जो मैं इंटरव्यूज भी अब जब हम कंडक्ट करते हैं तो मैं एक ड्रॉबैक जो नोटिस करती हूँ, हम दूसरों से इंस्पायर होते होते कब उनके जैसे बन गए होते हैं हमें खुद नहीं पता चलता। तो आपकी वो जो यूनिक आइडेंटिटी है वही तो आपको सबसे अलग करेगी, और अगर आप सबसे अलग नहीं हो तो आप शायद वो जो स्पार्क है वो आप में कभी दिखेगा नहीं। लाइक सिमरन हैज़ अ डिफरेंट स्पार्क, अगर सिमरन को कोई कहे कि श्वेतमा जैसे बन जाओ तो वो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज जो ये है वो मैं हो ही नहीं सकती डेफिनेटली। मतलब उसका जो वो, इसी को हम पटाखा सिमरन इसीलिए कहते हैं, शी हैज दैट स्पार्क दैट शी कैन बर्न पुट फायर एनीवेयर। तो ये स्पार्क ही आपका जो आपको मतलब इतना फास्टेस्ट 100K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे आपको दिलाया, या क्या रीजन है इसके पीछे, आपने क्या किया, मुझे जानना है रियली। मैंने कुछ अलग जाके नहीं, जैसी मैं हूँ वैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे भी दिखाया और मैं एक्चुअल में भी वैसी हूँ। मतलब जो मेरी वीडियोस होती हैं और आप मुझे एक्चुअल में देखोगे, मुझे लगती पड़ती रहती है, गिरती रहती है और कुछ ना कुछ मतलब भसड़ मचाई होती है। वीडियोस में हमने देखा वहां तुम कहीं भी नहीं गिर रही, यहां गिर रही थी लेकिन हाँ पहले स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो सभी ने बोला था यार ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही वीडियो बनाई है तूने, क्योंकि आते जाते मुझे कहीं ना कुछ लग जाती है, या मैं गिर जाऊंगी, दरवाजे से लग जाएगी, खड़े खड़े टेबल से लग जाएगी, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब खड़े खड़े इंसान गिर कैसे सकता है, आपने एकदम ऐसे प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई है, धड़ाम गिर गई हूँ। तो जब मेरा लॉन्च था उस टाइम पे भी सुबह सुबह मुझे सभी ने श्वेतमा दी, कृतिका, ये सभी मुझे ऐसे बोल रहे थे आराम से चलना, टेंशन वाली कोई बात है, बस गिरना मत इतने सारे लोगों के सामने। जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ श्वेती माथी जो आपके मेंटोर हैं, जिन्होंने आपको काफी कुछ, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिला, तो आगे क्या यही एम को आगे कंटिन्यू करना है या बकेट में से कुछ और भी है जो बाहर आएंगे? हाँ, अभी तो बहुत, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आर्जिंग के साथ साथ ही सब कुछ करूँगी। आर्जिंग ऑब्वियसली वो पहली चीज है, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। और आपको मेरे सोशल मीडिया पे उसके हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको बता देंगे ये बकेट लिस्ट में जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सेंसेशनल है चीजें, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर निकालेंगी, आहिस्ता आहिस्ता बताएंगी कि ये पटाखा सिमरन के अलावा और भी क्या बनना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सिंगिंग में भी आएंगी, मूवीज में भी आएंगी, सिंगिंग तो बिल्कुल टच में बंद कर रहा है, हम बर्दाश्त कर चुके हैं, बिल्कुल सिंगिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मूवीज वगैरह में आगे आप ट्राई करना चाहेंगे? डेफिनेटली, अगर मौका मिले तो। हाँ, अगर मौका मिले तो क्यों नहीं। आपकी मैंने आवाज सुनी है, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, एक छोटा सा हमारे व्यूअर्स को एक गाना सुना दीजिएगा। तो यही गाते हैं जो हमारी पहचान भी है, मिठड़ी है ओए होए मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे, गल नहीं ओ सार दे ते बोल नहीं ओ हार दे, दिंदे न जवान तोली तोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। अपने गुजारिश करूंगी कि आप दोनों जेके न्यूज़ टुडे के लिए साइन ऑफ करें अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में जो आपका आर्टिस्ट स्टाइल है। ओके, सो वी इन्जॉयड अ लॉट, और हम लोगों ने ये इंटरव्यू बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया, और साथ में हमने श्वेतमा दी की आवाज़ भी सुनी बहुत खूबसूरत सी, और मेरी बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनी आप लोगों ने। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, तारा बाय बाय, सिया।